Chaudhary. I'm a student from United Kingdom, and this is my younger brother. जय करोल, आई एम हार्दिक चौधरी। एंड आज मैं बात करने चाहूंगा मेरी बचना और बढ़ना, और उसका मतलब माय ग्रोथ एंड माय लाइफ एंड ग्रोथ ओवर टाइम, और कितना ठाकुर जी का इन्फ्लुएंस हुआ है उसमें। तो मैं शुरुआत 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 से करते हैं। जब बिफोर 2006 मैं इंडिया में रहते थे, और मैं और मेरी फैमिली, और मेजोरिटी ऑफ दैट हम अकेले थे, मी माय मॉम एंड माय यंगर ब्रदर। उस टाइम में मेरे पापा यूनाइटेड किंगडम में सेटल हो रहे थे, और उस टाइम में मैं लगभग 5 साल का था, और मेरा छोटा भाई तब उसका पैदा ही हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, मतलब दो बच्चे का मतलब प्रेशर था मेरी मम्मी को, और हमको ग्रो करना विद द राइट डिसिप्लिन एंड मैनरिज्म उनने हमें सिखाया। और मतलब हम दो, मैं और मेरे भाई ने कष्ट तो बहुत दिया है। उसी उसी को उसी के बारे में ठाकुर जी के एक स्टोरी था, उसको मैं जरा बोलूंगा, और कैसे वो मेरे लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। ये स्टोरी मुझे बताया गया था जब हमारे सत्संग हुआ था मुंबई में, और ये यूके से आने से पहले। और वो स्टोरी था जब ठाकुर जी के बचपन में, और ऑफ कोर्स ठाकुर जी ने कुछ गलत काम तो कभी छुआ भी नहीं है, सोचा भी सोचने का भी दूर, उनने कुछ नटखट काम कर दिए थे। तो उसके सॉरी तो उनके जो माँ थी उन पर गुस्सा कर रही थी, और उनको चप्पल लेके पकड़ने की कोशिश करने लगी। तो 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, 15 मिनट गया, उनको पकड़ ही नहीं पाए। तो जब 10-15 मिनट के बाद भागना भागना ठाकुर जी की माँ मतलब जब टायर्ड हो गई थी, उनको मतलब सांस लेना सब सब बहुत कष्ट में होने लगा उनको, तो वो बैठ गई। तो तभी तभी ठाकुर जी को थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, और उनको गए, उनके माँ के पास गए, और उनको उनसे माफी मांगा, और उनको पानी पिलाया, उनको अच्छे से नॉर्मेलिटी में वापस लाने। तब तब उनके भाई ने उनको उनको समझाया, देखो तुम अभी जो कर रहे हो वो फुलिशनेस हुआ, मतलब बेवकूफी हुआ, क्योंकि गलती तुम्हारी है, लेकिन भुगत कोई और रहा है, और वो भी तुम्हारी माँ। तो उसी के टीचिंग में ठाकुर जी को पता चला, जब आप कुछ करते हैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो यही स्टोरी सुन के मेरी माँ को मैं अपने देखा, मतलब एक भगवान के रूप के नजरिए से देखने लगा, कि जो दोनों हमारे मातृ पिता ने और जो दोनों ने किया है, उनकी वजह से मैं इधर खड़ा हूँ और मेरे भाई इधर बैठे हैं। तो और इसमें ये भी पता चला कि जब भी मैं कुछ करता हूँ उसका फुल इनिशिएशन मुझे लेना चाहिए, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे वो भला हो या बुरा, उसका पनिशमेंट सीखना चाहिए। वही ठाकुर जी को रियलाइज हुआ कि भाई मेरी माँ को कष्ट करने से इससे बेटर मैं तो वही पनिशमेंट खा लेता, जो भी पनिशमेंट था। तो यही जो उनने जो उनका जो स्टोरी है, मतलब मुझे अभी तक स्टिक थ्रू किया है। टिल रिसेंटली जब लॉकडाउन के वजह से हमें ई सत्संग होता है, तो उससे रोज सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे, और उसमें हम आते हैं, और उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला, मतलब डिसिप्लिन और मेडिटेशन सब कुछ मुझे जानने को मिला है, क्योंकि मैं इसमें पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था, उसमें जब कैप्टन होता था मैं, और मैं सबको लीड करता था, उसमें अगर कोई गलती करे तो मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत अग्रेसिव होता था मैं, जब तक तो क्योंकि लोग प्लेयर लोग डर देते थे, ओ ये चिल्लाएगा और हम पे चिल्लाएगा। तो हमें हमारे कोच ने बस ये बोला कि भाई तुम फिजिकल तो छोड़ो, पहले तुम मेंटल साइड को परफेक्ट करो, मेडिटेशन करो।
तो भाई मैं सोच रहा कि मेडिटेशन से क्या मतलब परफॉर्मेंस आएगा, क्या बोल रहे हो आप। उन्होंने बोला कि भाई एक बार तू ट्राई तो कर लो, तो मैंने सोचा भाई ट्राई कर लेते हैं अब। तो ठाकुर जी के सत्संग में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मेडिटेशन कर सकूं रोज, और उसमें मुझे मतलब अलग लेवल का पेशेंस आ गया और मतलब बहुत अंदर में शक्ति आ गई, और उसमें मुझे डिसिप्लिन भी सीखने को मिला जो मैं वो सबको मैं सिखाता हूँ अभी। मेरे छोटे भाई को, कोई छोटे बच्चे को, या फिर मेरे दोस्त को जो ठाकुर जी के बारे में जानते नहीं, और रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा ही आया। और बोले कि भाई तुम इतना मतलब इतना काम डाउन कैसे हो गए, कब से हो गए। नहीं भाई, बोला कि भाई अब ठाकुर जी के चरणों में मतलब मैं अपना पूरा उनको दे दिया हूँ 100%, और उनका आशीर्वाद की वजह से मैं मेरे परफॉर्मेंसेस में, मेरे प्रोफेशन में, मेरे पढ़ाई में, सब में इम्प्रूवमेंट आई है, एंड होपफुली आती रहेगी, टच वुड। और यही सब सीखते सिखाते मैं चाहता हूँ कि हम ये इस सत्संग से हम ये वर्ड स्प्रेड करें और सब सबसे बोले, और ये चलता ही रहे, चलता इन्फिनिटी, एंड और टू द पॉइंट ठाकुर जी को बोले कि अच्छा जो हमारे जो उनकी और ठाकुर जी उनकी माँ को जो लगा था, जो जो बलिदान उन्होंने दिया उनमें, वो खुश रहे। और इसी बात से मैं अभी जानना चाहूंगा, सत्संग कंटिन्यू। जय गुरु जी।